महर्षि भरद्वाज जो भगवान श्री राम के भक्त हैं आकर महर्षि याज्ञवल्क्य को पूछा। बोले महर्षि आप भी जा रहे? बोले हाँ, तो मेला समाप्त हो गया, कुंभका आप चले अपने अपने आश्रम को, अपने कुटिया को लौटे। बोले नहीं, आप थोड़े देर रुक जाओ, ठहर जाओ। क्यों? बोले मेरे मन में कुछ प्रश्न है, मेरे मन की कुछ जिज्ञासा है और वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और भी लोग हमसे पूछ सकते हो। बोले नहीं, जाग बलि के मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। क्यों? बोले करगत वेद तत्व सब तोरे, ईश्वर के, परमात्मा के, ब्रह्म के, भगवान के, जो भी कहो, उसके बारे में जो प्रश्न है वो उसी व्यक्ति से किया जा सकता है जो व्यक्ति उस विषय का विद्वान है। लोग माना, बहुत लोग कहते महाराज यहाँ बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बड़े, कोई कहीं काम करता, कोई कहीं काम। सवाल इन बातों का, सवाल यह है कि आपका विषय वो है या नहीं है। जिस विषय का आपको ज्ञान नहीं, उस विषय में आप आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। आपने साइंस की पढ़ाई की है, फिजिक्स पढ़ी है, मैथमेटिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, जियोलॉजी बॉटनी पढ़ी, जो भी आपका विषय है, तो आपका जो विषय है उसके बारे में आपसे परामर्श लिया जा सकता है। एक डॉक्टर का भी जो विषय है, आजकल तो डॉक्टर मना कर देते, सब अलग अलग सबका विभाग हो गया। आंख वाला अलग है, नाक वाला अलग है, कान वाला, सब धीरे धीरे सब अलग हो रहे। अभी एक दूसरे, पहले तो एक ही डॉक्टर होता था, सारे लोग देख लेता है, अब सब अलग अलग है, तो होना भी चाहिए। तो ऐसे ही आध्यात्म का प्रश्न है, जो व्यक्ति आध्यात्म के संदर्भ में जिसका कोई अपना अध्ययन नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, अनुभव नहीं है, ऐसा व्यक्ति उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। तो क्यों पूछते हैं आपसे? लोग बहुत हैं, बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान हैं, इसलिए कि करगत वेद तत्व सब तोरे, इसलिए कि आप वैदिक वाङ्मय के विद्वान हैं, इसलिए हम आपसे पूछते हैं। क्या पूछा? और जब पूछा तो महर्षि याज्ञवल्क्य को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रश्न तो बताओ, क्या पूछना चाहते? आध्यात्म के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, हो सकते हैं। क्या पूछा? राम